यूपी की छठे चरण की चुनावी तैयारियों के बीच गोरखपुर जिले की शहर सीट पर चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। इस सीट पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आमने सामने हैं। आजाद तो लगातार सीएम की गढ़ में उन्हें हराने का दावा भी कर रही हैं। इसी दावे के बीच इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है, जहां आजाद ने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि गोरखपुर में हुए उनके भव्य रोड शो के बाद सीएम के पीए ने उन्हें फोन और मैसेज कर उनके फायदे की बात कही। कल से रोड शो के बाद गर्मी बढ़ी हुई है, एक हमारे फोन पे एक मैसेज भी आया है। अब हम ये नहीं जानते कि वो सत्य है झूठ है, ये जानकारी हमें नहीं है, लेकिन कोई हमें मैसेज भेजे है, कहें कि हम मुख्यमंत्री के पीए लिख रहे हैं, आपके लिए फायदे का सौदा है, आप हमसे बात कर लीजिए। अब मैं आपके सामने रख देता हूँ बाकायदा नंबर, आप देख लीजिए कि ये कौन साहब हैं, ये कोई झूठ किसने भेज दिया है, या मुख्यमंत्री जी डर गए हैं जो इस तरह की चीज़ें जो है करा रहे हैं। हमें उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो हमें उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपके सामने है, मीडिया के लोग इस पर ध्यान दें। हाँ, इसकी शिकायत अभी हम करने जा रहे हैं, रात ही आया था, अब सुबह से हम लोग फील्ड में, इसकी शिकायत हम कर रहे हैं, आपके सामने पूरा मैसेज नंबर भी है। मैं चाहूँगा कि मीडिया के लोग इसकी जांच करा लें, ये कौन साहब हैं, ये मुख्यमंत्री जी के पीए वास्तविकता में है या कोई और आदमी किसी और इंटेंशन से कर रहा है, ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की, उसकी जाँच कराए। यही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बकायदा इस मैसेज को पढ़कर भी सुनाया। उसमें उन्होंने क्या लिखा है ये आप पढ़ लीजिए, लिखा है हमें कांटेक्ट करिए, हम सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पीए हैं सर, आपसे बात करना चाहते हैं, इसमें आपका फायदा है, हम यहाँ जनता के फायदे के लिए लड़ रहे हैं, अपने फायदे के। नंबर ये है, मैं बोल देता हूँ, 7045473204, ये नंबर है और आपके सामने है। ये कौन साहब हैं, आप मीडिया के साथी मुख्यमंत्री से पूछिए कि क्या फायदे नुकसान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं हम यहाँ, या जनता के फायदे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आजाद ने आगे अपने बयान में सीएम योगी पर एक बार फिर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और साथ ही चुनाव आयोग से गोरखपुर एसएसपी के तबादले की मांग करते हुए आयोग पर निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने के आरोप लगाए। मैं चाहता हूँ कि ये इस चुनाव के ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा है। एक मुद्दा मैंने पहले उठाया था कि यहाँ के जो एसएसपी हैं, मैंने चुनाव को पत्र लिखा कि आप उनको हटा दीजिए, उनके उतने निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रत्याशी भी हूँ। मुख्यमंत्री जी सत्ता धनबल का प्रयोग कर रहे हैं, मैंने आपको बताया किस तरह से मकान खाली करा गया, उससे बड़ी बात ये आप नोटिस करें, गोरखपुर के एसएसपी को तो नहीं हटाया गया, लेकिन एक अधिकारी और हैं जो गोरखपुर शहर विधानसभा 322 के जोनल मजिस्ट्रेट रमेश बाबू गुप्ता जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। रमेश बाबू गुप्ता जो सीनियर अधिकारी हैं, जो अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता हैं, उनको संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता के तौर पे यहाँ लंबे समय से काबिज किया गया है, वो पहले भी दो बार यहाँ पोस्टिंग रख चुके हैं, मुख्यमंत्री के करीब हैं। उन्होंने ही नोटबंदी के समय मुख्य सबको ना था, आरबीआई का आदेश था कि भाई कोई पैसा निकाल के नहीं देगा, उन्होंने मुख्यमंत्री को पैसा निकाल के दिए, वो उनके खास आदमी हैं, उनको यहाँ शहर विधानसभा का जोनल मजिस्ट्रेट बनाया हुआ, वो यहाँ धांधली करवा रहे हैं, ये धांधली हम लोग नहीं सहेंगे। मेरी चुनाव आयोग से अगर वो कहीं है, दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे, हम चार चार दिन छः छः दिन से परमिशन मांग रहे हैं, हमें परमिशन नहीं दी गई, रोड शो की परमिशन भी एक दिन पहले दी गई कि हमारा जो रोड शो फ्लॉप हो जाए, जैसा जनता ने नहीं होने दिया। तो ऐसे अधिकारी अगर यहाँ रहेंगे तो मैं ये जानता हूँ कि चुनाव फेयर नहीं होगा। मैं अगर चुनाव आयोग कहीं है और उसको सुनाई देता हूँ, उसको दिखाई देता हूँ, तो मैं अपील करता हूँ कि वो ऐसे अधिकारी को तत्काल यहाँ से हटाए, जिससे कि कल चुनाव फेयर हो सके। अपने इस आरोप में चंद्रशेखर ने ये साफ कर दिया कि वो चुनाव में किसी भी तरह की कोई धांधली होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें सड़कों पर उतरकर आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े। साफ है, चंद्रशेखर आजाद के गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतरने के बाद से ही जिले के चुनाव का रोमांच बढ़ गया है। चुनावी रण में आजाद लगातार सीएम योगी को घेरते रहते हैं, ऐसे में आजाद के इस आरोप का सीएम क्या जवाब देते हैं, ये देखना।